नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इलेक्शन और हर पार्टी अपनी रणनीति तैयार कर चुकी है। इस समय हम जहां पर छन्नी के होटल रिज में हैं और जहां पर बताना चाहेंगे भाजपा के द्वारा बताना जहां भाजपा डिजिटल कंपेनिंग के साथ साथ अब रणनीति तैयार की गई है कि मीडिया का जो वार रूम है भाजपा के द्वारा होटल रिज मैन्यूल में बनाया गया और अभी इसकी इनॉग्रेशन की जाएगी। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी पहुँचने वाले हैं और पहुँचते हुए यहाँ पर पहुँच गए हैं और कुछ ही देर में यहाँ पर इसकी जो है श्री गणेश होगा, इनॉग्रेशन की जाएगी। और मीडिया की कोई भी अगर डिटेल होगी, मीडिया कोई भी अगर बात को किसी भी बात को अगर जनता तक पहुंचाना होगा और तो यहीं से जो ये नेतागण है या भाजपा के जो भी स्टार कंपेनर है वो यहीं पे यहीं से मुखातिब होंगे मीडिया के साथ। इस समय देख रहे हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जाते हुए। और इस समय होटल रिज मैन्यूल में असेंबली इलेक्शंस को लेकर हर सियासी पार्टी अपनी रणनीति जो है नई नई जो रणनीति अपना रही है। और वहीं पर अगर बात करें होटल रिज में जो छन्नी में स्थित है वहां पर अगर बात करें जहां पर भाजपा एक तरफ डिजिटल कंपनी के साथ साथ अब मीडिया को जो है उन्हीं के जो मीडिया के साथ मुखातिब होगी, जो भी कार्यक्रम होंगे जितनी भी जो मीडिया के माध्यम से आम जनता तक जो बात पहुंचानी होगी वो मीडिया जो है वो होटल रिज मैनर छन्नी में आकर यहीं पर सारे जो कार्यक्रम को योजना रूपरेखा जो यहीं से शुरू होगी। फिलहाल इस समय दृश्य जो हम आपको बता रहे हैं अब लगातार हर सियासी पार्टी के मोस्टली जो है लिस्टें जो आउट होती जा रही हैं, कहीं पर खुशी और कहीं पर मनभेद दिख रहे हैं, यानी कि मतभेद दिख रहे हैं को मिल रहे हैं। और किस तरह से उन मतभेदों को मिटाया जाएगा वोटिंग तक इलेक्शन तक किस तरह से, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं मीडिया जो वार रूम है, यानी कि भाजपा के द्वारा डिजिटल मीडिया के साथ साथ जो कि ये बताना चाहेंगे यहाँ पर जो डिजिटल कंपेनिंग के साथ साथ अब मीडिया के लिए जम्मू भाजपा के द्वारा यहाँ पर होटल रिट्ज मैनर में वार रूम का स्थापना की गई है और जिसकी इनॉग्रेशन आज होगी। और देखिए पूरी तरह से तैयारी कर दी गई है, सजावट हो चुकी है और अंदर की भी आपको दृश्य कुछ देर में बताएंगे। और समय आप देख रहे हैं यहाँ पर पूरी तरह से तैयारी की गई, पूरा सेटअप तैयार किया गया। ये है जो हम इस समय दृश्य आपको बता रहे हैं भाजपा के द्वारा यहाँ पर होटल रिट्ज मैनर में जो मीडिया वार रूम है इसी पूरी संचालित किया गया है यहाँ पर। जो अभी कुछ ही देर में ये जो वार रूम है इसकी इनॉग्रेशन होगी और देखिए 370 की टूटी दीवार शरणार्थियों के जीवन में आई बाहर। ये समय जो यहाँ पर जिस तरह की भी जो होर्डिंग्स लगाई गई हैं और पूरी तरह से अगर वार रूम की बात करें तो पूरी तरह से यहाँ पर तैयार किया गया है और इस समय के दृश्य में आपको बता रहे हैं। ये जो है पूरा यहाँ पे पूरा सिस्टम जो सेटअप किया जाएगा और कुछ ही देर में यहाँ पर
आप देखेंगे यहाँ पर इनॉग्रेशन होने वाली है। और डिजिटल कंपेनिंग के साथ साथ अगर बात करें तो मीडिया के लिए जम्मू की होटल रिट्ज मैनर में भी यानी कि यहाँ पर स्थापित किया गया वार रूम, और कुछ ही देर में यहाँ पर आप देखेंगे अभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी पहुँचे हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जो भी हमें देख रहे कमला शर्मा जी कह रहे हैं। बड़े सारे मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर आज काफ़ी नाराज़गी देखने को मिल रही है कि भाजपा ने जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए। और बात करें डेली वेजर्स का मुद्दा जो 2014 में भाजपा ने वायदा किया था, होमगार्ड्स के साथ वायदा किया था, चलिए फिलहाल पूरी तरह से तैयारी हमारे मीडिया जो है यहाँ पीछे दिखाएंगे कैमरामैन को, कहें पूरी जो देख पूरी तरह से जो तैयार हैं पूरी हमारी ये फौज है मीडिया कर्मी, क्योंकि यही हमारे मीडिया कर्मी दिन रात जो काम करते हैं, नेताओं को इनकी कारकर्दगी आम जनता तक लाते हैं, तो कहीं ना कहीं श्रेय इनको भी जाता है। तो फिलहाल ये बलबीर जी भी हैं, ये देखिए ये भी यहाँ पर घूम रहे हैं। बलबीर जी क्या कहते हैं, आज इनॉग्रेशन होने जा रही है जो यहाँ पर मीडिया पार्टी ने इलेक्शन की दृष्टि से पार्टी ऑफिस से थोड़ा हटके एक अलग जगह ली, क्योंकि इलेक्शन के रिलेटेड बहुत से डिपार्टमेंट्स होते हैं जिनकी वर्किंग के लिए काफ़ी लोगों की इन्वॉल्वमेंट होती है। और भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि जो इस बीजेपी का मीडिया सेल है इसके जिम्मे बहुत बड़ा काम है, और इसमें भी कई तरह की जिम्मेवारी लोगों को दी गई हैं। एक सब लोग इकट्ठे बैठे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा मिले ताकि अच्छे से अच्छे तरीके से लोगों तक अपनी बात पहुंचाई जाए, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये मीडिया वार रूम सेट किया है। और इसमें सोशल मीडिया की एक्टिविटी भी रहेंगी, आईटी सेल की एक्टिविटी रहेंगी, और इस मीडिया वार रूम में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स या प्रवक्ता और बाकी जो लोग बाहर मौजूद होंगे जब भी, हाँ टाइम टू टाइम वो प्रेस से बात भी करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, अलग अलग इश्यूज पे कोई वाइट देना होगा तो ये लोग यहाँ कोई ना कोई यहाँ अवेलेबल होगा। अभी सीनियर यहाँ पे जी इसका इनॉग्रेशन है, इसके बाद कोई ना कोई कंपेनिंग के सिलसिले में नेशनल लीडर के लीडर भी आएंगे जी, तो वो भी उनका भी यहाँ आना होगा, मीडिया से इंटरेक्शन वगैरह होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, तो ये एक प्लेटफॉर्म मिल गया है पूरे मीडिया को यहाँ आने के लिए, बैठने के लिए और बात करने के लिए। बलवीर जी हैं भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ जो कार्यकर्ता और नेता हैं, और फिलहाल देखेंगे प्रवक्ता हैं। और इस समय आप देख रहे हैं नेशनल जनरल सेक्रेटरी भारतीय जनता पार्टी की और स्टार कंपेनर तरुण चुग जी यहां पर पहुंचते हुए, और कुछ ही देर में बाहर युद्ध डिजिटल कंपनी के साथ साथ अब यहाँ पर एक जो कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मीडिया बार रूम का यहाँ पर स्थापित किया गया, ताकि कोई भी अगर कोई भी क्वेरी हो, कोई भी अगर प्रेस वार्ता हो, कोई भी नेतागणों से कोई भी आने वाले समय जो कंपनी को लेकर कोई भी जानकारी हो तो यहाँ से जो नेतागण है, जो स्टार कंपेनर है, यहाँ से मीडिया के साथ मुखातिब होंगे और जानकारी जनता तक साझा करेंगे। फिलहाल विक्रम रंधावा जी भी इनके साथ हैं, और देख लीजिए यहाँ पर तरुण चुग जी भी इस समय निकल भैया, तरुण चुग जी यहाँ पर जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले आपने देखा डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, और अब तरुण चुग नेशनल जनरल सेक्रेटरी और विक्रम रंधावा जी। और देखिए जम्मू कश्मीर में अगर बात करें तो एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है, रौनक ही रौनक देखने को मिल रही है कि जिस तरह से इलेक्शन का माहौल है और सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं, लगातार जो कैंपेनिंग भी अल्टीमेटली अब शुरू हो चुकी है, जिस तरह से आज सुबह की अगर बात करें तो युधवीर सेठी जो भारतीय जनता पार्टी के ईस्ट जम्मू ईस्ट से जो प्रत्याशी हैं उन्हें भी इस मैदान में उतारा गया है। इल्मी।
शादी में यहाँ पहुँचती हुई स्पोक्स पर्सन है नेशनल स्पोक्स पर्सन है भारतीय जनता पार्टी की, और यहाँ पर पहुँचती हुई यानी बड़ी बड़ी हस्तियाँ, अब उनका आगमन होगा जम्मू में जब तक इलेक्शन का समापन नहीं होगा, और इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं। ਟਿੰਕਲ ਤੋਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੁਦੇ ਟਿੰਕਲ ਤੋਂ ਆਵਾ ਕਿ ਟਿੰਕਲ कुछ नहीं अभी। और देखिए इस समय के दृश्य हम आपको बता रहे हैं, तुम्हें पता नहीं है भारतीय जनता पार्टी की नेशनल स्पोक्स पर्सन शाजी अमी जो है यहाँ पहुँचते हुए, रितिका तिहान जो कि इस कार्यक्रम की जिन्होंने और थोड़ी शायद इन्हें और ये कहा जैसे ये कह रही है कि फ्रैक्चर है, बढ़िया। शाजिया जी वेलकम टू जम्मू, थैंक यू सो मच। कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया है, जम्मू का स्वास्थ्य ठीक है? जी जी बस नहीं, मेरा एट वीक है, फ्रैक्चर का चल पा रही हूँ। शाजिया जी कितनी उत्सुक है इलेक्शन? बहुत उत्सुकता है, बहुत सक्रियता है। आप देखिए अब यहाँ पे जो हमारा सेंटर खुल रहा है नेशनल, आप देखिएगा क्या क्या इसमें होता है, बहुत ही एक्टिविटी रहेगी और हम लोग बहुत ही व्यस्त रहने वाले हैं। परिणामों को लेकर क्या सोच रही हैं? पूरी तरह से सुनिश्चित है और हमारी तैयारी मुकम्मल है, और मुझे लगता नहीं कि किसी भी चीज में कोई भी कमी रहेगी। और आप देखिएगा 4 अक्टूबर 10 सालों के बाद चुनाव होने जा रहे हैं। देखिए ये वाकई में जो ये जो है एक हमारे लोकतंत्र का जश्न है, 10 सालों तक लोगों ने इंतजार किया है। आप उत्सुकता देखिए, आप रौनक देखिए, आप लोगों की जो ख्वाहिशें देखिए, कि उम्मीदवारों की पूरी होड़ जो है आप देख रहे हैं, लोग कर रहे हैं, तो मुझे लगता है वाकई में बहुत ही एक अच्छी दिशा में और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कांग्रेस का गठबंधन हुआ है भाजपा को हराने के लिए जम्मू कश्मीर में, क्या लगता है ये रिश्ता क्या कहलाता है? आप इनकी हिस्ट्री देखिए, चाहे अगर आपको देखना हो इंदिरा गांधी और शेख अब्दुल्ला का अकॉर्ड, या फारूक अब्दुल्ला और राजीव गांधी का अकॉर्ड, और अब देखिए ये गठबंधन ना सिर्फ नापाक है बल्कि खतरनाक है। तो गठबंधन पूरी तरह से तैयार है भाजपा को मात देने के लिए? पूरी तरह से तैयार है। नहीं, मैं आप क्या कहते हैं गठबंधन तैयार है? अच्छा नहीं तो नहीं, भाजपा तैयार है इस तरह के गठबंधन करने के लिए, मुकाबला करने के लिए। धन्यवाद मैम। इस समय आप दृश्य जो देख रहे हैं अभी कुछ ही देर में जो जी किशन रेड्डी जो हैं भारतीय जनता पार्टी के जो यानी कि प्रभारी हैं, इलेक्शन प्रभारी, और रविंदर राणा जी के एज यूजुअल हंसते हुए रविंदर राणा जी, और देखिए इस समय विक्ट्री का निशान दिखाते हुए रविंदर राणा जी, इधर भी ये विक्ट्री का निशान पर्चे से पहले ही, और देखिए यहाँ पर अभी कुछ ही देर में यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मीडिया वार रूम स्थापित किया गया है उसकी इनॉग्रेशन होगी। बड़े बड़े नेतागण पहुंचे हैं, नेशनल जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग जी, डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जी किशन रेड्डी यहाँ पहुंचे हैं, अरविंद राणा जी हैं, और नेशनल जो इनकी स्पोक्स पर्सन है शाजी अलीम, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी यहाँ पर पहुँचते हुए, और अभी कुछ ही देर में इनॉग्रेशन होगा। और आप देख रहे हैं समय, अब यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी पहुंचे हैं यहाँ पर, और अभी जुगल किशोर शर्मा जी भी यहाँ पर पहुंचते हुए पीछे से सीढ़ियां उतर आ रहे हैं।
में कितनी क्षमा आपको बता रहे हैं और यहाँ पर आपको बता रहे हैं होटल रीड से, जहां पर आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा इलेक्शंस को लेकर यहां पर मीडिया वार रूम का इनॉग्रेशन की जाएगी। और इस समय आप कुछ ही देर में देखिए इनॉग्रेशन शुरू हो चुकी यहाँ पर होगी और यहाँ पर बड़े बड़े नेता जो हैं भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज यहाँ पहुँचे हुए हैं। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जुगल किशोर शर्मा जी, जी किशन रेड्डी जी, तरुण चुग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और साथ ही साथ शाजिया अली और मंत्र उच्चारण किए जा रहे हैं। नारी श्री गणेश किया जाएगा यहाँ पर। आराम से आराम से आराम से धक्के मैडम आराम से। चलिए डॉक्टर साहब देखिए अभी यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी यहाँ पर नारियल को यहाँ पर देखिए भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरी तरह से डिजिटल कैंपेनिंग के साथ साथ यहाँ पर जम्मू की अगर बात करें होटल रीड्स मैडम ने जो कि मीडिया बार रूम का स्थापना की गई और यहाँ पर आज इनॉग्रेशन हुआ जिसके इनॉग्रेशन की डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और तरुण चुग जी इसका मुंह सबसे ज्यादा खुल सकता है प्लीज। ये देखिए इसी तरह आपने सबसे बीजेपी का वार रूम जहाँ पे तरिन सर कितना उत्सुक है आज के जो वार रूम का यहाँ मेरी बहन आई है, मैं उत्सुक ही हूँ। चलो हमारा हमें तो आना ही था इन्विटेशन, आपको उद्घाटन किया है जी जी। तो क्या लगता है इस बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार होगी जम्मू कश्मीर में सर? तरुण चुप सर माइक लगा चला।
वाला कौन सा नहीं, अगर किसी उधर है उधर एक बात से लगाना आया नहीं ऐसे कैसे जी, छोटा विषय है, इधर एक बात से लगाना है, इधर नहीं लगाना तीन दिन से मैं मदद लगा था कि करना ही करना। सभी मीडिया बंधुओं को नमस्कार। आज भारतीय जनता पार्टी ने अपने संवाद केंद्र का उद्घाटन किया है। ये संवाद केंद्र स्थापित करने के लिए मैं भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर की मीडिया टीम को और विशेष रूप से हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री आरपी सिंह जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता बहन शाजिया से और वनीत जी का और जम्मू कश्मीर मीडिया की सारी टीम का धन्यवाद करता हूं और उन्हें बधाई देता हूं कि आपने एक ऐसा सेंटर स्थापित किया है जहां डेली सभी पत्रकारों के साथ भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग नेता अलग अलग बिंदुओं को लेकर आप सबके साथ संवाद किया करेंगे। दिन में पिछले दिनों आप सबकी एक इच्छा थी कि एक ऐसा संवाद केंद्र होना चाहिए जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मीडिया के कार्यकर्ता उपस्थित हों और वहां पर पार्टी अपनी बात भी कहे और आपके मन में भी जो प्रश्न है वो एड्रेस हों और हम प्रेस और पॉलिटिशियन दोनों का संवाद हो सके और आपके पास ऑफिशियल सब चीज़ों की न्यूज़ पहुंच सके। उसके लिए जो काम यहाँ पर हमारे मीडिया विभाग ने किया है मैं उसके लिए बधाई देता हूँ और मुझे पूरी आशा है कि अगले लगभग 30 दिन ये मीडिया संवाद केंद्र भारतीय जनता पार्टी की बात आप तक पहुँचाने
और आप और भाजपा के बीच में संवाद का प्रमुख केंद्र बनेगा। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस चुनावी प्रक्रिया में काम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र के प्रति अपार श्रद्धा भी है और विश्वास भी है। चुनाव आयोग ने जिस दिन से चुनावी प्रक्रिया शुरू की, भारतीय जनता पार्टी ने चाहे वो कैंडिडेट घोषित करने की बात हो, चाहे कैंडिडेट की प्रक्रिया की बात हो, हर चीज में भारतीय जनता पार्टी अव्वल रही है। अब संवाद स्थापित करने के लिए भी भारतीय जनता पार्टी, हमारी सारी सीनियर लीडरशिप, केंद्र के प्रवक्ता भी यहाँ हैं, हमारे चुनाव के चेयरमैन जुगल जी भी यहाँ हैं, पार्टी के सबसे बड़ा चेहरा जो केंद्र में पीएमओ मंत्रालय भी देखते हैं और बड़ी जिम्मेवारियाँ हैं, ऐसे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी भी हैं, पार्टी के चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी जी भी हैं, हमारी जिनकी लीडरशिप में पार्टी बहुत ग्रो की है, ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री रविंद्र राणा जी भी यहाँ मौजूद हैं, हमारे पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल जी भी यहाँ मौजूद हैं, सत्यजी शर्मा, शाजिया दीदी भी यहाँ हैं, आरपी सिंह जी भी यहाँ हैं और पूरी टीम यहाँ उपस्थित है। हम प्रयास करेंगे कि दिन में दो बार, एक बार, तीन बार जो भी संवाद हो वो इसी अम्ब्रेला के नीचे आपके साथ हो। मैंने सभी नेताओं से निवेदन किया है कि आप दिन में चाय पीने हो या रोटी खाना हो, एक समय, डॉक्टर साहब आप भी यहाँ हो तो जुगल जी आप भी दिन में एक चक्कर यहाँ पत्रकारों के साथ चाय पीने में जरूर गुजारें। वो तो मीडिया विभाग तय करेगा किसको आज प्रेस करनी है, किसको कल प्रेस करनी है, और आज की पहली प्रेस शाम को होगी। ये तो जीरो आवर है, हम आपसे बात कर रहे हैं और उद्घाटन का दिन है, लेकिन मैं क्योंकि आप सबको खोल देना, आप सबको खाली आदमी जाने देना, इसलिए आपसे मैं कुछ बातें करूंगा उद्घाटन के दिन। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी यहां लगातार लगभग 7 दशक से तपस्या कर रही है, 7 दशक से तपस्या कर रही है और 7 दशकों से भारतीय जनता पार्टी का एक स्पष्ट एजेंडा है। 1950 से लेकर 1947 से लेकर, चाहे प्रजा परिषद के मॉडल पर हो जिसे परम पूज्य श्री प्रेमनाथ डोगरा जी ने शुरुआत की थी, और हमारे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने जम्मू कश्मीर के नागरिकों को अधिकार दिलाने के लिए अपना बलिदान भी दिया था। सो मैं आप सब से निवेदन करता हूं कि जो सोच को पहरा देने के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने बलिदान दिया था, जिस सोच के लिए श्री प्रेमनाथ डोगरा जी ने तपस्या शुरू की थी, उस सोच को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की 3 पीढ़ियां खपी। वो सोच स्पष्ट थी, सबका साथ सबका विकास। वो सोच स्पष्ट थी प्रेमनाथ डोगरा जी के नेतृत्व में शांति वाला जम्मू कश्मीर, आगे बढ़ता जम्मू कश्मीर,
हमलों आतंकवादी घटनाओं से मुक्त जम्मू कश्मीर। और मुझे गर्व है कि पिछले 7 दशकों से भारतीय जनता पार्टी, जनसंघ, प्रजा परिषद के कार्यकर्ता यहां तपस्या करते आ रहे हैं राष्ट्रवाद की सोच की, और हमने अपने सैकड़ों कार्यकर्ता, अमर शहीद टीकालाल टिपलू हो या उन जैसे कई हजारों कार्यकर्ताओं को हमने अपने सामने बलिदान होते देखा है। लेकिन हमारी कमिटमेंट है जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म, हमारी कमिटमेंट है कि जम्मू कश्मीर की पग पग भूमि हमारी मातृभूमि है, जैसे कन्याकुमारी वैसे ही कश्मीर। और इसलिए पूरे भारत के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चाहे किसी भी कोने में रहता है, उसके लिए जम्मू कश्मीर हमेशा ही प्रायोरिटी पर रहा है। हमने कई आंदोलन यहां चलते हुए देखे, लेकिन दूसरी तरफ 1950 से जो शक्तियां लगातार जम्मू कश्मीर को दहलाने का, डराने का काम करती आई हैं, उन्होंने वो क्रम आज तक जारी रखा। मैं हैरान हूं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो मैनिफेस्टो लागू किया है, आज कांग्रेस पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस मिलकर यहां चुनाव लड़ रहे हैं, वो वापस 370 और 35 से लाने की बात कर रहे हैं, यानी वापस जम्मू कश्मीर को गोलियों, बम, हड़ताल, हमले, पत्थरबाजी की ओर ले जाना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी उनके उन षड्यंत्रकारी मंसूबों को कामयाब नहीं होने देगी। ये लड़ाई जम्मू कश्मीर को दहलाने वाले और जम्मू कश्मीर को सहलाने वालों के बीच में, जम्मू कश्मीर को दहलाने वाले अब्दुल्ला मुफ्ती और गांधी नेहरू परिवार, इन तीन परिवारों ने दहलाया और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर को सहलाने का, उसके जख्मों पर मरहम लगाने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। और हमारी कमिटमेंट है जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म, ये हमारी वचनबद्धता है। 5 अगस्त 2019 के बाद लगातार हमने आतंकवादी भी खत्म किए हैं और आतंकवाद भी खत्म किया है, आतंकवादियों की आयु भी खत्म की। और सबसे बड़ी बात है कि 5 अगस्त 2019 के बाद जीरो टॉलरेंस ऑन सिविलियन किलिंग पर भी हमने पहरा दिया है। मैं आज के इस मंच से गांधी नेहरू परिवार, अब्दुल्ला परिवार और मुफ्ती परिवार के इन तीनों पार्टियों को जो खानदानी दवाखाने की तरह चल रही है, इन तीनों पार्टियों से कहना चाहता हूं हम ओपन डिबेट के लिए तैयार हैं। कहीं भी वो डिबेट करे, आप में से कोई पत्रकार उस डिबेट को हैंडल करे, आप में से कोई चैनल वो डिबेट बुलाए कि 5 अगस्त 2019 के बाद आतंकवाद के समूल नाश के लिए जो हमने काम किया है और उसकी संख्या जहां 2018 में 228 टेरर इंसिडेंट हुए थे, आज 2023 में वो 228 से कम होकर 46 रह गए, और 2024 हम आज सितंबर के महीने में बैठे, अगस्त के महीने में एंड में बैठे, सितंबर स्टार्ट होने वाला है, वो घटनाएं जो 228 थी आज 11 हुई है, एनकाउंटर 199 होते थे 189, आज 2023 में वो 48 हुए,
और आज वो 24 रह गए। सिविलियन किलिंग मैं यहां भी चुनौती देता हूं अब्दुल्ला मुफ्ती और गांधी नेहरू परिवार को कि आपके शासन में लगभग 60-70 सबसे कम सिविलियन किलिंग 2018 में 55 हुई है, आज वो सिविलियन किलिंग 2023 में 14 हुई, 2024 में वो केवल 14 रह गई है। सिक्योरिटी पर्सनल्स की किलिंग, उनकी शहादत हमारे लिए बहुत बड़ी बात है, 91 2018 में पुलिस के सुरक्षा बलों के जवान शहीद हुए थे, 2023 में वो 30 रहे। हमने पूरा प्रयास किया है जान और जहान दोनों को बचाने का, आज वो कम होकर 14 हुई हैं। जो पत्थरबाजों की फौज इन तीन परिवारों ने भूले, इन तीन परिवारों ने छोटे छोटे बच्चों के हाथ में जिहाद के नाम पर पत्थर पकड़ाए थे, 1328 इंसिडेंट होते थे साल में, कम से कम कह रहा हूं पिछले 15-20 साल में 1328 इंसिडेंट, वो 2023 में 1328 से जीरो हुए हैं और 2024 में भी अभी तक जीरो हैं। हमने आतंकवादी भी कम किए हैं, आतंकवाद भी कम किया है और आतंकवादियों की आयु भी कम की है। हमारी वचनबद्धता है, इन सब के बीच में नकली मुठभेड़ और निर्दोषों की हत्याओं को भी हमने खत्म किया है। मैं अब्दुल्ला साहब से निवेदन करूंगा, ओपन डिबेट के लिए तैयार रहे, हम तैयार हैं। मैं चुनौती देता हूं उनके टेररिज्म के ऊपर स्टैंड और हमारे टेररिज्म के ऊपर स्टैंड, मैं उन्हें चुनौती देता हूं नागरिकों की सुरक्षा और हमारे समय में नागरिकों की सुरक्षा, मैं उन्हें चुनौती देता हूं 370 और 35A के बारे में जो षड्यंत्र और झूठ फैला रहे हैं उस पर उनको चुनौती देता हूं। और आप सब से भी निवेदन करता हूं कि फारूक अब्दुल्ला साहब आपके सांसद जम्मू कश्मीर में, आपके श्रीनगर के सांसद रोहेला साहब एक प्रेस इंटरव्यू में 1990 रिपीट करने की बात कर रहे हैं, हिंसा रिपीट करने की बात कर रहे हैं, 101,60,000 कश्मीरी पंडितों को 1990 में निकाला था, उस तरह के घटनाक्रम की बात कर रहे हैं, क्या ये स्टैंड है कांग्रेस का, ये स्टैंड है एनसी का? और मैनिफेस्टो में फारूक अब्दुल्ला साहब आपने कहा है कि हम जेल में बैठे हुए उन लोगों को छोड़ेंगे, आज जेल में कौन बैठा है, यासीन मलिक? आज जेल में कौन बैठा है जो जम्मू कश्मीर को दहलाना चाहता था? आज जेल में कौन बैठा है जिनके हाथ निर्दोषों के खून से रंगे? आप किनको छोड़ने की बात कर रहे हैं, किनको छोड़ने की बात कर रहे हैं? और क्योंकि आपका पुराना रिकॉर्ड ऐसा है कि आतंकवाद और एनसी कांग्रेस का चोली दामन का साथ रहा है, हम भी 1990 भूले नहीं है, जम्मू कश्मीर की जनता 1990 भूली नहीं है, क्योंकि 1990 में देश के गृह मंत्री महबूबा जी के पिताजी मुफ्ती साहब थे, हम भी 1990 भूले नहीं है। 1990 जनवरी में जो काली रात थी उस समय मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला साहब थे, इसलिए तीन परिवारों ने दहकते हुए शोलों पर जम्मू कश्मीर को फेंका था,
आज फिर वही तीन परिवार अपने मैनिफेस्टो की दिखाकर जम्मू कश्मीर को डरा रहे हैं और 1990 की बात कर रहे हैं। फारूक अब्दुल्ला साहब आप कह रहे हैं कि जेल से छोड़ेंगे और लगातार जब 2004 से 14 कांग्रेस की सरकार थी केंद्र में, वही यासीन मलिक जो आज जेल में है उसके साथ देश के प्रधानमंत्री सरदार मनमोहन सिंह जी का फोटो शूट कराया जाए, रेड कारपेट आतंकवादियों के लिए बिछाया जाता था, आतंकवादियों को पोषित किया जाता था, महामंडित किया जाता था, क्या उस दौर में कांग्रेस ले जाना चाहती? जम्मू कश्मीर कभी भूल नहीं सकता। ये 45 बड़े इंसिडेंट हैं जिसमें बरात की बरात को मार दिया, जिसमें आरे ने जिंदा काट दिया, जिसमें बस में से निकालकर लोगों को मारा गया। ये 45 बड़े इंसिडेंट हैं और इसके अलावा हजारों निर्दोषों की हत्या हुई। किस ओर जम्मू कश्मीर को ले जाना चाहते हैं? क्या वापस वो बरातें मारी जाएंगी? क्या वापस खून से सने हुए चावल माँ को खिलाए जाएंगे, पत्नी को खिलाए जाएंगे? क्या वापस जो आज आतंक की घटनाओं के कारण आतंकी जेलों में है उनको महामंडित किया? जम्मू कश्मीर की जनता इन यश प्रश्नों के साथ आज के मीडिया के संवाद केंद्र में हम सामने आए हैं और मैं निवेदन करूंगा कि इस विषय पर इन निर्दोषों की हत्याएं, आतंक का साथ, पत्थरबाजों को सपोर्ट, इन सब विषयों पर हम खुली बहस के लिए तैयार हैं। स्थान व समय मीडिया तय करे, आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस हमारी कमिटमेंट है, हमारी वचनबद्धता है। अरविंद ठीक है, ठीक है जी, कंप्लीट करें। जनरल सेक्रेटरी तरुण चुग जी ने आज प्रेस को मुखातिब किया और साफ तौर पर कहा कि ये लड़ाई फैलाने वालों और सहलाने वालों के बीच में, उन्होंने साफ तौर पर कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और साथ ही साथ एनसी जो कि कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को उन्होंने अंगारों पर यानी छोड़ दिया था, और वहीं पर अगर बात करें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सहलाने का काम किया, उनके जख्मों पर मरहम लगाने का काम किया। वहीं पर अगर बात बतानी चाहिए साफ तौर पर उन्होंने कहा कि अब जीरो टॉलरेंस पर टेररिज्म जो है और सारे केसेस को गिनाए कि किस तरह से जो पहली सरकार जो इन तीन परिवारों ने यानी साफ ने कहा इल्जाम लगाते हुए कहा कि इन्होंने सिर्फ जम्मू कश्मीर को यानी आतंकवाद दिया है और जम्मू कश्मीर को आग के शोलों पर छोड़ दिया था। वहीं पर अब साफ तौर पर ने कहा कि अब जनता ये मुखातिब करेगी और साथ साथ उमर अब्दुल्ला को चेतावनी भी दी थी, उन्हें साफ तौर पर आह्वान भी किया कि ओपन डिबेट में आ जाए और भारतीय जनता पार्टी के नेता ओपन डिबेट के लिए पूरी तरह से तैयार है कि उनके कार्यकाल में क्या हुआ था और मोदी जी के नेतृत्व में किस तरह से मोदी सरकार ने यहां पर डेवलपमेंट की और किस तरह से आतंकवाद को खत्म करने प्रयास किया। फिलहाल ये तो जनता पर निर्भर रहेगा, हर पार्टी अपना वर्चस्व दिखाएगी, अपने कार्यकाल में क्या क्या काम किए वो गिनवाएगी, पर आखिरी फैसला जो जनता को होगा। फिलहाल आपका क्या कहना है जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। जुड़े रहिए ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।